आज मैं फिर से अपने बाल सुखाने के लिए नीचे आ गई हूँ, क्योंकि धूप में बाल सुखाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैं बाल सुखा रही थी तब मैंने क्या देखा। ये यहाँ पर पानी रखा हुआ है सो दैट बिल्ली या कबूतर या कोई पी सकता है। ये भी हमारे धर्म की स्पेशलिटी है। साथ साथ में देखिए यहाँ पर अगरबत्ती जलाने के लिए रखा हुआ है। आई थिंक दिस इज अ ट्री जिसके पत्तों के ऊपर हम सनातन धर्म में खाना भी खाते हैं। जी हाँ, तो ये जो पेड़ है ये पेड़ के पत्तों के ऊपर, इसको बनाना लीफ कहते हैं, इसके ऊपर हम खाना भी खाते हैं एंड इस पेड़ को पूजते हैं। यू कैन सी यहाँ पर अगरबत्ती दिया जलाने का यू नो वेसल रखा गया है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ माई रिलीजन, जहाँ पर हम पक्षियों को, पशु को पानी पिलाते हैं, चारा देते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं। और ऑब्वियसली हमें कहा जाता है कि हम बहुत एग्रेसिव धर्म को बिलोंग करते हैं। अगर हम एग्रेसिव धर्म को बिलोंग कर रहे होते ना तो हमारे बहुत सारे कंट्रीज होते ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि हम ओल्डेस्ट रिलीजन हैं। तो ऑब्वियसली हमारा धर्म सबसे ओल्डेस्ट धर्म है और हमारे धर्म का ओल्डेस्ट धर्म होने का प्रूफ है इन कंट्रीज़ वेयर वी सी अदर रिलीजन एज द कंट्री रिलीजन। जी हाँ, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, सीरिया तक हो, सब जगह हम देख सकते हैं प्रूफ्स ऑफ शिव टेम्पल, महाभारत, रामायण एंड दिस शोज दैट इतना ओल्ड रिलीजन होने के बावजूद, इतना टॉलरेंट रिलीजन होने के बावजूद हम पर आज की तारीख में लोग आरोप लगाते हैं, लोग जो सो कॉल्ड सेक्युलर्स होते हैं, कि हम एक इनटॉलरेंट धर्म को बिलोंग करते हैं, जो सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा फेक नैरेटिव है। ये एक्चुअली मेरी मदर के रूम का व्यू है। दिस इज़ द सुंदर वन, एक्चुअली वन है, ग्रीनरी है। होपफुली कि ये ग्रीनरी कभी कटेगी नहीं, बिकॉज कोई कॉरपोरेट आके यहाँ पे कुछ बनाना ना चाहे। जी हाँ, क्योंकि अगर कोई कॉरपोरेट ने डिसाइड किया कि यहाँ पर ऑब्वियसली वो कोई बिल्डिंग बनाएगा तो फिर शायद ये ग्रीनरी कट जाए। नहीं ना, नहीं बिना ना ऐसा नहीं होगा ना, नहीं होगा। गार्डन है तो गार्डन रहेगा। हाँ, आपकी परमिशन मिल गई है ना, हर चीज नहीं टूटेगी ना, कोई कॉर्पोरेट नहीं आएगा ना। नहीं नहीं बेटा, गार्डन है तो गार्डन रहेगा। अच्छा, तो आप इतने उदास क्यों हो? मैं तो खाली बात कर रही हूँ, क्योंकि ये तो फ्री कंट्री है ना, यहाँ पर कोई भी कुछ भी लॉ कानून पास कर सकता है और वो चीजें हो जाती है ना। बट मैं ये कह रही थी कि वो योगा मैट से बॉडी को कैसा लगा, वो जो बॉडी वाइब्स हम डिस्कस कर रहे थे, वो बॉडी को कैसा लगा? I don't know, still like it was a little on the thinner side, so I can't say now. I'll practice tomorrow and day. Practice tomorrow? Today no class? No, tomorrow Monday. Monday class? So you will practice on that yoga mat and see if I could. It is comfortable. If it's comfortable. Don't worry, we'll get you one more. The body vibes have to match. Remember the body vibes? Yeah, with the mat. With the mat. Okay. ठीक है। देखिए, यहाँ पर कॉर्पोरेट्स की बात करके मैं किसी को कोई आइडिया नहीं देना चाहती। आई सीरियसली एंड सिंसियरली बिलीव दैट पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। वी नीड अ लॉट ऑफ ग्रीनरी एंड हमारी आने वाली पीढ़ियाँ नीड्स टू लिव एंड ब्रीद अ क्लीन एयर। मगर हाँ, हम ऑब्वियसली देखते हैं कि सर्टन डिसीजंस आर मेड विच आर ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, जैसे मुंबई के अंदर मेट्रो की डिसीजन हुई जहाँ पर अ सेक्शन ऑफ आर ए फॉरेस्ट वॉज अटैक्ड। But that metro ki decision was important for a larger section of Mumbaikers and that is why that decision was taken. But abhi tak wo decision puri nahi hui hai. But sensibly, we as humans need to save forest, we need to save greenery, because hamari aane wali peedi is actually going to curse us if we don't do that. That is why I live in Ahmedabad, because yahan par you can actually breathe in fresh air, clean air, which is very, very important.